हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग इप्सो इफेक्ट या इप्सो अटैक। सिंपली इप्सो अटैक होता क्या है? सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑन अ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग अकर्स बाय फोर टाइप्स। आपको बाकी तीन टाइप्स पता हैं, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स बाय फोर टाइप्स। फर्स्ट ऑर्थो, इसकी पहचान है कि ऑर्थो पोजिशन होती है वन और टू पोजिशन, जिसमें ये ओ फॉर्म होता है। ये देखिए, ये अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये ओ फॉर्म हो रहा है। मेटा पोजिशन वन थ्री पोजिशन, तो ये देखो एम जैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका शेप कैसा बन रहा है? एम जैसा। फिर है पेरा पोजिशन, पेरा पोजिशन वन फोर पोजिशन होती है। ये देखिए, ये पी की पी का आकार लग रहा है, पी का शेप लग रहा है, तो ये पेरा पोजिशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज इप्सो अटैक सब्सटीट्यूशन। तो इप्सो अटैक सब्सटीट्यूशन होता क्या है? ये ऐसा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक रिंग पे, जो कि नॉन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नॉन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट रखता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के पहले इसके वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। तो इप्सो जो वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड से आया है, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज से। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ अटैक, मतलब ये सेल्फ ही अपने अटैक कर लेता है। इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी पोजिशन, अ पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय ए नॉन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट इन एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड इप्सो पोजिशन। द अटैक ऑन इट इज कॉल्ड इप्सो अटैक। और वो जो सब्सटीट्यूएंट है ऑलरेडी प्रेजेंट रिप्लेस्ड बाय सब्सटीट्यूएंट इज कॉल्ड इप्सो सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में है प्रोटो डी अल्काइलेशन। डी जहाँ पे भी जुड़ जाता है वो इंडिकेट करता है रिमूवल को। ठीक है, तो प्रोटो डी अल्काइलेशन कैसे होगा? ये आपका कंपाउंड है, ट्राई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे कार्बन के ऊपर, तो ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड सब्सटीट्यूएंट हो गया। ठीक है, ये जो पोजीशन से जुड़ा है उसे कह देंगे इप्सो पोजीशन, इस ग्रुप को बोल देंगे इप्सो ग्रुप। प्रोटो मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, डी अल्काइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो इप्सो अटैक जब होगा तो आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगी, प्लस टर्शरी कार्बोकेटायन रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस्ड बाय अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस्ड हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन ऑफ ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन का जब आइसोमेराइजेशन होता है तो उसमें एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। जब ऑर्थोजाइलिन का इप्सो सब्सटीट्यूशन फॉर्म होगा तो आपको मिलेगा मेटाजाइलिन। लास्ट एग्जांपल है ब्रोमो डीसिलाइलेशन। ब्रोमो डीसिलाइलेशन में होता है आपका जो ट्राईमिथाइल सिलेन है वो रिमूव हो जाता है इप्सो अटैक के थ्रू, और ब्रोमीन ग्रुप उसमें बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाता है।